हाय दोस्तों, गैजेट गुड में आपका स्वागत है। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ गूगल का नया 2000 रुपये का एंड्रॉयड 4G वोल्टेज स्मार्टफोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप ये वीडियो पूरा देखिए और आपने अगर अभी भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि मैं हर रोज इसी तरह लेटेस्ट अपडेट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों 2017 बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि गूगल का CEO सुंदर पिचाई ने एक स्टेटमेंट में कहा है इंडिया के अंदर बजट सेगमेंट में लॉन्च करने वाला है $30 का स्मार्टफोन, जो कि 2000 रुपये का 4G वोल्टेज स्मार्टफोन होगा। इससे पहले गूगल ने माइक्रोमैक्स स्पाइस के साथ टाई अप करके हमें एक ऐसा फ़ोन दिया था 6000 के प्राइस रेंज में, जिसमें हमें मिलता था प्योर स्टॉक एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस और एंड्रॉयड का लेटेस्ट अपडेट का सभी वर्जन्स, जो कि बहुत बढ़िया था। सुंदर पिचाई ने अपने स्टेटमेंट में और भी कहा है बजट सेगमेंट में कई सारे फ़ोन लॉन्च हो सकते हैं, जो कि सबसे लोएस्ट प्राइस में होगा $30 यानी कि 2000 रुपये, उसके बाद हो सकता है $50 यानी कि 3000 रुपये, उसके बाद होगा $100 जो कि होंगे 6800 रुपये के अंदर। सभी फ़ोन 4G वोल्टेज सपोर्टेड होगा। तो 2017 में हमें ऐसे फ़ोन देखने को मिल सकता है जो कि गूगल की तरफ से स्टॉक एंड्रॉयड के साथ 4G वोल्टेज सपोर्टेड स्मार्टफोन होगा 2000 रुपये के प्राइस के अंदर। अब देखने वाली बात है गूगल कब इंडियन मार्केट में ये सभी फोन लॉन्च करता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, और हाँ, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।